तो ठीक हो ना आप सब दोस्तों। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर सेल आ चुका है, 8 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस सेल में आप लोगों को मोबाइल वगैरह कुछ भी अगर सामान वगैरह लेना है तो वो आप कैसे अच्छे तरीके से ले पाओ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को वो ना मिले और पछताना ना पड़े कि यार आप ले नहीं पाओ। ऐसा होता है इस सेल में, इन दोनों सेल में, कि आप जिस स्मार्टफोन को पसंद किए हैं लेकिन वो आप लोगों को नहीं मिला, उसमें बहुत प्राइस कट था बट आप लोगों को नहीं मिला, तो ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को 5 ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप ये जान जाते हो ना तो आप लोगों को इस सेल में कुछ भी लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फटाफट से जान लेते हैं वो 5 ट्रिक के बारे में। तो पहला ट्रिक ये है कि अगर आप लोगों को कुछ भी लेना है, मतलब कोई भी सामान वगैरह मोबाइल वगैरह लेना है, तो उसे आप फेवरेट करके रख लो, और अगर आप लोगों को कंफर्म हो गया कि हाँ यही लेना है तो प्री बुकिंग उसका कर लो। सेल के टाइम पर प्री बुकिंग का ऑप्शन आता है तो आप उस टाइम पर प्री बुकिंग कर सकते हो। कुछ पैसे आप लोगों को पहले पे करने पड़ेंगे, तो पहले आप लोगों को थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, और अगर प्री बुकिंग कर लेते हो ना तो वो जब भी स्टॉक में आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा कि खरीद लो, तो आप तभी खरीद सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा ट्रिक ये है कि जिस स्मार्टफोन को आप पसंद किए हैं या फिर जो सामान आप लेना चाहते हैं वो सिर्फ आप पसंद नहीं किए हैं, बहुत लोग उसको पसंद किए हैं, तो स्टॉक में ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। सेल में प्राइस कट वगैरह बहुत रहता है, तो सेल में ज़्यादा देर तक स्टॉक में रहने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो प्लस मेंबरशिप फ्लिपकार्ट का ले लीजिएगा या फिर अमेज़न का ले लीजिएगा। 150 से 200 रुपये आप लोगों को खर्च होगा, और अगर आप प्लस मेंबरशिप ले लेते हो ना तो एक दिन पहले ही आप लोगों को सेल देखने को मिल जाएगा 7 तारीख से ही, तो आप उस दिन को ही खरीद पाओगे। जब आप लोगों को वो स्टॉक में देखे तुरंत ऑर्डर मार लीजिएगा, ऐसे मतलब मौका जाने नहीं देना, वरना आप फिर पछताते रह जाओगे, क्योंकि स्टॉक में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है यार कोई भी स्मार्टफोन अगर आप इस सेल में लेना चाहते हो तो। और तीसरा वाला ट्रिक नहीं है बट आप लोगों को काम ही आएगा, अगर आप कोई स्मार्टफोन वगैरह लेना चाहते हो तो एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। जिस स्मार्टफोन को आप लोगों को यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट पे या फिर आपके दोस्त वगैरह 2000 देते हैं, वहाँ पे आप लोगों को 3-4 हज़ार रुपये उसका देखने को मिल जाएगा। तो जिस मोबाइल को आप एक्सचेंज करना चाहते हो ना उसका आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्राइस देखने को मिल जाएगा, ऐसा होता है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के सेल में। तो एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा, और अगर ना कर पाओ तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा फिर उस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। और चौथा चीज़ ये है कि अगर आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हो तो कार्ड से ही खरीदिएगा, ऐसे नहीं खरीद लीजिएगा, क्योंकि ऐसे खरीदोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। कार्ड में ही आप लोगों को 1000-1500 ऐसा का ऑफ देखने को मिल जाता है, तो आपका पैसा बचेगा। और पांचवा चीज़ कोई ट्रिक नहीं है बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को काम ही आएगा। अगर आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हो ना स्मार्टफोन वगैरह, तो अभी डिसाइड कर लो कि कौन सा खरीदना है, उसका रिव्यू वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हो, कैमरा टेस्ट वगैरह कैसा है स्मार्टफोन, वो सब अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो अभी ही जान लो। अगर उस टाइम पर स्टॉक में रहेगा और आप तभी देखोगे इसका रिव्यू वगैरह, तो उस टाइम आप अपना टाइम गवा दोगे और आपका स्मार्टफोन निकल जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता था कि दिन हो या रात आप लोगों को जब भी मौका मिले, जब भी स्टॉक में आए, अभी रिव्यू वगैरह सब देख लो और ऑर्डर मार देना तभी। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ये 5 ट्रिक आप लोगों को जरूर से काम आने वाले हैं इन सेलों में। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।